और अब आ रही है सत्ता के पत्ते की, जो कि बांदा सदर सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। और बांदा सीट का ये सत्ते का पत्ता है वो दलित और वैश्य वोटर, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। खासतौर से वैश्य वोटर यहाँ पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करते आए। चलिए एक बार फिर से हम रुक करेंगे अपने बुंदेलखंड के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जय तिलक जी का। सर, बांदा सदर सीट पर सत्ता का पत्ता तो दलित और वैश्य वोटर ही दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी नजर में लगता है अहम भूमिका निभा सकते हैं आने वाले चुनाव? देखिए, अगर 2017 के इलेक्शन को हम लोग देखें तो यहाँ पे केवल बांदा सदर ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी जो है सभी दलों को शिफ्ट कर गई और 19 जो सीटें आती है बुंदेलखंड से वो सभी जीतने में कामयाब रही। मौजूदा परिस्थितियां अगर देखा जाए जातीय ध्रुवीकरण के हिसाब से तो कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो वैश्य मत है वो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो आपने जो समस्याओं को गिनाया, देखिए बड़ी आश्चर्य की बात है कि केन नदी के तट पर है लेकिन पानी की वहाँ समस्या है, जबकि जिला मुख्यालय के साथ साथ मंडल मुख्यालय भी हुआ है। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जो यहाँ स्थिति अनुकूल होती दिख रही है, उसका कारण मेन चीज जो है जातीय ध्रुवीकरण और जो है आज की तारीख में जो छोटे छोटे दलों के अलावा जो है, रही बात समाजवादी पार्टी की तो उसके लिए मुश्किलात यह है कि वहाँ पर जो है कांग्रेस की जो विवेक सिंह की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है, सहानुभूति की लहर हमारे समझ से वहाँ चलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ जो मुस्लिम मतों में बंटवारा कांग्रेस भी करेगी। अगर नसीमुद्दीन की खड़ा होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वह समाजवादी पार्टी को ही डेंट करेंगे। जी बिल्कुल, यानी ये समझा जा सकता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति आने वाले समय में सीट पर देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को पूरे समीकरण समझाने के लिए। आइए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांग्रेस के मजबूत किले रायबरेली की पचरावा विधानसभा सीट की, जहाँ पर 2017 की प्रचंड मोदी लहर का असर देखने को मिला और ये सीट भाजपा के खाते में चली गई। क्या है इस सीट के समीकरण आपको समझाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अवध क्षेत्र के अहम जिले रायबरेली की पचरावा विधानसभा सीट, यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 177, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर 22 में कांग्रेस, सपा और भाजपा के बीच कांटे के मुकाबले की उम्मीद है। पचरावा कभी कांग्रेस के मजबूत गढ़ में शुमार होता था, लेकिन पहले इसमें समाजवादी पार्टी ने सिंधमारी की और 2017 में भाजपा ने सीट पर अपना परचम लहरा दिया। आने वाले विधानसभा चुनाव में बचरावा का गढ़ बचाने के लिए जहां भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है तो वहीं सपा और कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रहे। दलित बाहुल्य सीट पर 22 केरल में कांटे की टक्कर के कयास लगाए जा रहे हैं, जहां सभी पार्टियां जाति समीकरण को साधने की कोशिश में अभी से जुट गई हैं। चलिए अब आपको रायबरेली की बचरावा विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में रायबरेली की बचरावा सीट पर करीब 63% मतदान हुआ था और भाजपा के राम नरेश रावत ने सीट से दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के साहब सरन को चुनाव यहां से हराया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको रायबरेली की बचरावा विधानसभा सीट के पिछले नतीजों के बारे में हमने जानकारी दी। अब पिछले तीन नतीजे क्या रहे ये आपको बताते हैं, जिससे आपको इस सीट के सियासी समीकरण को समझने में आसानी होगी। 2007 में रायबरेली की पचरावा सीट पर कांग्रेस के राजा राम त्यागी ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2012 में सीट सपा के खाते में गई और रामलाल अकेला विधायक बने। 2017 की मोदी लहर में सीट भाजपा ने जीती और राम नरेश रावत यहां से विधायक।